नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु, इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट रेनबो का वाटर पार्ट हमने स्टार्ट किया था। शुरुआती आधा लेसन हमने कंप्लीट कर लिया और अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को YouTube पे जाके टाइप करें और डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ें इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। और अब हम वाटर पार्ट का रिमेनिंग पार्ट, जो वाटर लेसन है उसका रिमेनिंग पार्ट सेकंड पार्ट के रूप में जहां हमने छोड़ा वहां से उसको शुरू करने वाले हैं। तो मुझे फॉलो करें। The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. The flow of water, pani ka bahav, has undoubtedly played, nisandeh pani ke bahav ne bhumika ada ki hai, अ ग्रेट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, एंड अ बेनिफिशियंट वन, और बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है पानी के बहाव ने, इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, भूविज्ञान की प्रक्रिया में, पृथ्वी विज्ञान की प्रक्रिया में पानी के बहाव ने बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक भूमिका अदा की है। बाई विच, जिस प्रक्रिया के माध्यम से द सॉयल ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर जो मृदा है, हैज बीन फॉर्म्ड, और ये मृदा बनाई जाती है फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, चट्टानों का जो बाह्य आवरण है, चट्टानों की बाह्य परत से ये उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किया जाता है। पानी जब चट्टानों के ऊपर से बहता है तो पानी अपने बहाव के साथ इसके क्रस्ट, इसका बाह्य आवरण अपने साथ लेकर चलता है और उससे उपजाऊ भूमि बनती है। द सेम एजेंसी, इसी यही पानी, हाउएवर, किंतु, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, कैन ऑल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सॉयल विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, एंड इफ अलाउड टू बी प्रोसीड अनचेक्ड कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ कंट्री। तो एक तरफ कवि ने यहाँ उसका लाभ बताया है, अब पानी से हानि बता रहा है। वो देखिए पानी से क्या हानि होती है। द सेम एजेंसी, यही पानी, हाउएवर, किंतु, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, यदि इस पानी को उचित स्थितियां मिल जाएं, कैन ऑल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट, ये विनाशकारी भूमिका भी अदा कर सकता है, एंड वॉश अवे द सॉयल, और उसी उपजाऊ मिट्टी को बहा करके ले जा सकता है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो कृषि की के लिए महत्वपूर्ण होती है, कृषि का महत्वपूर्ण आधार होती है, जो भूमि उसे अपने साथ बहा करके ले जाता है, एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और यदि इस पानी को अनियंत्रित बहने दिया जाए, कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट, ये बहुत ही विनाशकारी प्रभाव ला सकता है ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, एक देश के जीवन पर। तो पानी जहाँ लाभदायक भी है, वहीं पानी हमारे लिए विनाशकारी भी होता है। जिस तरह से मिट्टी को लेकर के आता है पानी, जहाँ लाके रखता है मिट्टी को, वहाँ के लिए लाभदायक है, लेकिन जहाँ से अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाता है, वहाँ के लिए पानी खतरनाक भी है, यदि उसे पानी को ना रोका जाए। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के क्षरण की समस्या, मिट्टी के कटाव की समस्या, इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है इन वेरियस कंट्रीज, बहुत से देशों में, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और विशेषकर भारत के कई हिस्सों में मिट्टी के कटाव, एक मिट्टी का कटाव एक गंभीर समस्या है। द कंडीशंस, वो स्थितियाँ, अंडर विच इट अकर्स and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study. The conditions, वो दशाएं या वो स्थिति, under which it occurs, जिन स्थितियों में मिट्टी का कटाव होता है,
एंड द मेजर्स और वो साधन बाई विच इट कैन बी चेक्ड जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सके आर डिजर्विंग फॉर द क्लोजेस्ट स्टडी वो गहन अध्ययन के योग्य हैं। दोनों ही चीजें गहन अध्ययन के योग्य कह रहा है, मिट्टी के कटाव भी गहन अध्ययन के योग्य है और वो साधन जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सके दोनों ही कैसे क्लोजेस्ट स्टडी गहन अध्ययन योग्य हैं। सॉइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स जो मिट्टी के कटाव की जो समस्या है वो लगातार स्तरों पर होती है उत्तरोत्तर सक्सेसिव मीन्स लगातार नियमित स्तर पर होती है द अर्लीस्ट ऑफ विच मे इजीली पास अननोटिस्ड इसका जो प्रारंभिक स्तर है मिट्टी के कटाव का वो आसानी से हमारे बिना देखे हुए निकल जाता है हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं अननोटिस्ड करते हैं उसे इन द लेटर स्टेजेस और बाद की अवस्थाओं में द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुल अपारेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रेवाइंस विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल द इन द लेटर स्टेजेस बाद की अवस्थाओं में द कटिंग अप मिट्टी का कटाव एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ और मिट्टी का बहा करके ले जाना इज ओनली टू पेनफुल अपारेंट बहुत ही दर्ददायक स्थिति होती है जब इनको देखा जाता है इन फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज जब गहरी गहरी खाई बन जाती हैं एंड रेवाइंस और गहरी गहरी गुफाएं बन जाती हैं मिट्टी के कटाव की विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल और ये गहरी गहरी खाई और गहरी गहरी गुफाएं कृषि को बिल्कुल असंभव बना देती हैं। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन अ लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन तेज और लगातार बारिश रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर तेज और लगातार बारिश का परिणाम ये होता है कि ज्यादातर अतिरिक्त पानी बहता है इज द प्रिंसिपल फैक्टर और यही महत्वपूर्ण कारण है इन कॉजिंग सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव का जो अतिरिक्त पानी बह करके जाता है वो अतिरिक्त पानी मिट्टी को अपने साथ लेके जाता है और यही महत्वपूर्ण कारण है मिट्टी के कटाव का। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज और जो सहायक कारण हैं अन्य दूसरे कारण मिट्टी के कटाव के आर द स्लोप ऑफ लैंड मिट्टी का जमीन का ढालू होना ढालू जमीन भी मिट्टी के कटाव का एक कारण है। मेन कारण तो क्या है पानी का बहना और दूसरा कारण मिट्टी का ढालू होना। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन वनस्पति जो सुरक्षा कवच है पृथ्वी का उस वनस्पति को हटाना भी पेड़ पौधों को काटना भी मिट्टी का कटाव का कारण है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स और जो छोटी छोटी गलियां बनी रहती हैं अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो खेतों में होकर जो गलियां बनी रहती हैं जिनमें होकर पानी बहता है विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम और जहां से वो तेज गति ले लेता है पानी तो जहां तेज गति लेता है वहां से उन रट्स में से उन गुफाओं में से पानी अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाता है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो और जब इस प्रकार के बहाव को रोकने का चेक इस प्रकार के बहाव को नियंत्रित करने का कोई साधन ना हो तो मिट्टी पानी के साथ कट करके चली जाती है। तो कई यहाँ पे कारण बताए हैं दूसरे अन्य कारण मिट्टी के कटाव के। पहला तो लेखक ने कहा है कि जो तेज बारिश होती है उसके साथ बह जाती है मिट्टी। दूसरा उसने बताया स्लोप ऑफ लैंड मिट्टी का जमीन का ढालू होना। फिर बताया उसने वनस्पति का काटा जाना। फिर उसने बताया कि जो रट्स खेतों में होती हैं जमीन पर जो लकीरें होती हैं जहाँ पानी बहता है जिनमें होकर और जहाँ अपनी गति तेज कर लेता है तो वहाँ क्या है पानी को नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं है इसलिए मिट्टी कट करके चली जाती है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीसियस सॉयल कैन बी वॉश्ड अवे अविश्वसनीय तरीके से मिट्टी की बहुत बड़ी मात्रा बह करके चली जाती है। इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट यदि इस प्रकार की स्थितियां बनी रहती हैं एज इज अनहैपीली टू ऑफन द केस और लेखक कह रहा है बड़ी दुखदाई होती हैं और ज़्यादातर मामले ऐसे ही हैं कि वो लोग मिट्टी के ढलान को बनाए हुए रखते हैं वहाँ से मिट्टी कट जाती है पेड़ पौधों को काट देते हैं वहाँ से मिट्टी कट जाती है। तो लेखक कह रहा है ये अनहैपीली है बहुत ही दुखदाई है अप्रसन्न कर देने वाली है ऐसे मामलों में कि लोग इन चीज़ों को सुधारते नहीं हैं। The imminence
which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India. Dominance, khatra, which soil erosion presents, jisko mitti ka katav hamare samne prastut karta hai, to the continuance of successful agriculture, safal aur lagatar kheti ke liye, mitti ke katav ka khatra, इज एन अलार्मिंग वन, ये चेतावनी भरा है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न हिस्सों में. कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, बहुत आवश्यक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और सुरक्षात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए. द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, जमीन को समतल करना. द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंद्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, बंद का निर्माण करना जिससे पानी के बहाव को रोका जा सके. द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्यूअर कल्टीवेशन, और ढालू के विपरीत जुताई करना. एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और उपयुक्त पेड़ पौधों को लगाना. आर अमंगस्ट द मेजर्स, ये वो साधन हैं दैट हैव बीन सजेस्टेड, जिनको सुझाया जाता है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या करना है. टेरेसिंग ऑफ द लैंड, जमीन को समतल करना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बंद्स, बंद बनाने हैं जिससे कि पानी का बहाव रुक सके. द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्यूर कल्टीवेशन, जो हमें जुताई करनी है वो ढाल के विपरीत करनी है. और एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन लगानी है, उपयुक्त वनस्पति लगानी है. इट इज ऑब्वियस दैट द एम शुड बी चेक द फ्लो ऑफ वाटर एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल स्टेज बिफोर इट हैज अक्वायर्ड एनी एप्रिसिएबल मोमेंटम एंड corresponding लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर. इट इज obvious दैट, ये स्पष्ट है. द एम शुड बी चेक, हमारा लक्ष्य होना चाहिए रोकने का. किस चीज को रोकने का? द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को. एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था पर ही हमें पानी के बहाव को रोकना है. बिफोर इट हैज acquired एनी एप्रिसिएबल मोमेंटम, इससे पहले पानी को उचित गति मिले बहाव की. उचित गति मिलने से पहले ही हमें रोकना है. एंड corresponding लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, इससे पहले कि पानी हमारे लिए विनाशकारी परिणाम बने, इससे पहले कि विनाश लेकर के आए, उचित गति पानी प्राप्त करे, उससे पहले ही हमें पानी के बहाव को रोकना है. वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है. एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ फ्री और कम्बाइंड वाटर इन इट्स बॉडी. एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूड डज नॉट प्ले एन असेंशियल पार्ट. एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन, हर जीव और हर पौधे में एक निश्चित अनुपात में स्वतंत्र और मिश्रित पानी रहता है उसके शरीर में. चाहे वो जानवर हो चाहे पेड़ हो, सभी के शरीर के अंदर एक निश्चित मात्रा में पानी होता है, चाहे तो स्वतंत्र रूप से चाहे कम्बाइंड मिक्स रूप से. एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, और किसी प्रकार की शारीरिक क्रिया संभव नहीं है. इन विच द फ्लूड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, जिसमें पानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता हो, ऐसी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है. वॉटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, पानी जानवरों के जीवन के लिए भी आवश्यक है. वाइल मॉइस्चर इन द सॉयल इज इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ों के बढ़ने के लिए और उनके विकास के लिए भी मिट्टी में क्या होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए. मिट्टी में नमी भी पेड़ों के विकास के लिए आवश्यक है. दो द क्वांटिटी necessarily varies enormously with the species. यद्यपि पानी की जो मात्रा है वो अलग अलग है, बड़े और अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के लिए अलग अलग पानी चाहिए, अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए. The conservation, संरक्षण, पानी का बचाव, and utilization of water, और पानी का उपयोग, is thus fundamental for human welfare. ये महत्वपूर्ण है मानव की भलाई के लिए. मानव की भलाई के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी का उपयोग और उसका संरक्षण. अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर, कुओं के पानी के अलावा, द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस, हर तरह के मामलों में अंतिम स्रोत जो पानी का है इज रेन और स्नोफॉल. वो क्या है? बारिश और बर्फ का गिरना. ये दो महत्वपूर्ण अंतिम सोर्स हैं, पानी के अंतिम स्रोत हैं. मच ऑफ इंडियन कल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, भारतीय कृषि अधिकांशतः मौसमी बरसात के ऊपर निर्भर करती है. एंड इज देयरफॉर, और इसी कारण से
इसी कारण से वेरी सेंसिटिव, बहुत ही प्रभावित होती है टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द शेम। यदि बारिश अनियमित हो जाए और असफल हो जाए तो भारतीय कृषि बहुत ही प्रभावित होती है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉयल इरोजन एंड ऑफ इनएडिक्वेट ऑफ इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉयल इरोजन, मिट्टी के कटाव की समस्या, एंड ऑफ इनएडिक्वेट और अपर्याप्त और अनियमित बारिश आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिट्टी के कटाव की समस्या और अपर्याप्त और अनियमित बारिश होना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व दैट द वापस से एक बार ले लेते इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स, तकनीकों को यदि हम अपनाते हैं प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकने की तकनीकों को अपनाना, वुड ऑल्सो हेल्प, ये हमारी सहायता करेगा टू कंजर्व एंड कीप द वॉटर वेयर इट इज वॉन्टेड, जहाँ पानी चाहिए वहाँ पानी के संरक्षण में हमारी मदद करेगा। यदि हम मिट्टी के कटाव की तकनीकों को अपना लेते हैं तो पानी का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सॉइल, मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के अंदर जितना पानी चाहिए उतना पानी हो जाएगा यदि हम मिट्टी के कटाव की समस्या को रोकें। एंड सच टेक्निक्स देयर फोर सर्व अ डबल पर्पज, इस तरह से ये तकनीकें हमारे लिए दोगुना लाभ देती हैं, दो उद्देश्य हमारे स्पष्ट हो जाते हैं। यदि मिट्टी के कटाव की तकनीकों का हम पालन करते हैं तो हमारी जमीन में मॉइस्चर रहता है, नमी रहेगी। इट इज एविडेंट हाउएवर दैट इन अ कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल an immense quantity of rain water must necessarily run off the ground. It is evident, ye spasht hai, however, phir bhi, that in a country having only seasonal rainfall, ek desh jahan keval mausmi baris hoti hai, an immense quantity of rain water, baris ki pani ki bahut adhik matra, must necessarily run off the ground, wo jameen par se yun hi beh jati hai. द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर, इस प्रकार के पानी का संग्रह और उपयोग, इज देयर फोर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इन टू द स्ट्रीम्स, इसमें से बहुत अधिक पानी नहरों में चला जाता है एंड रिवर्स नदियों में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और अंततः वो पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। Incredibly large quantities of the precious fluid, इस कीमती तरल पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा, आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, वो देश से खो जाती है कि हम उसे समुद्र में मिल जाने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि हमें बारिश के पानी का अधिक से अधिक उपयोग खेती के लिए करना चाहिए। द हार्नेसिंग ऑफ रिवर्स, नदियों का नियंत्रण, नदियों के पानी की उपयोगिता, द वॉटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट इज अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ड विद ऑन नेशनल लाइन्स। नदियों के पानी की उपयोगिता, द वॉटर ऑफ विच, जिन नदियों का पानी मोस्टली रन्स टू वेस्ट, अधिकांशतः व्यर्थ हो जाता है, इज अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, ये बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिस पर विचार किया जाना चाहिए, एंड डील्ड विद ऑन नेशनल लाइन्स, और राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज पर विचार होना चाहिए। वॉस्ट एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मियर स्क्रब जंगल्स, हमारे जमीन के बहुत अधिक भूभाग जो केवल स्क्रब जंगल्स हैं, जहाँ केवल छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, वो उपजाऊ भूमि में बदले जा सकते हैं, एंड प्रॉस्परस कंट्री कैन बी करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, और हमारे देश को उन्नतिशाली बनाया जा सकता है, किससे, बाय करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, साहसी और उचित योजना बना करके। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ अफॉरेस्टेशन, पानी की समस्या से बिल्कुल संबंधित ही एक और समस्या है वनारोपण की, वन लगाने की। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सूटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज एंड द डेवलपमेंट ऑफ वॉट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट
as distinguished from wild and untamed jungle is one of the most urgent needs of India. भारत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्या? The systematic planting, उचित पौधारोपण of suitable trees, उपयुक्त पेड़ों का पौधारोपण in every possible, हर संभव तरीके से और even in impossible areas, असंभव क्षेत्रों में भी हमें उचित पौधारोपण करना है. And the development of what one can call civilized forest, जिसे व्यवस्थित जंगल कहा जा सके, उस व्यवस्थित जंगल का हमको विकास करना है. As distinguished from wild and untamed jungle, जो व्यवस्थित जंगल अलग होता है जंगली और अनियंत्रित जंगल से. ऐसा जंगल नहीं लगाना है हमें, व्यवस्थित जंगल लगाना है, उचित प्रकार की वनस्पति लगानी है. इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, उचित प्रकार के व्यवस्थित जंगल लगाना. सच प्लांटेशन टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड बेल्ट टू द कंट्री, इस प्रकार का पौधारोपण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है. क्या सिद्ध होता है? अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, एक असीम संपदा का स्रोत साबित होता है टू द कंट्री, देश के लिए. इस प्रकार का उचित और व्यवस्थित वनारोपण एक देश के लिए असीम संपदा का काम करता है. दे वुड चेक सॉइल इरोजन, ये वृक्षारोपण मिट्टी के कटाव को रोकेंगे. एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री, और पानी के बहाव का भी संरक्षण करेंगे, बारिश के पानी का संरक्षण करेंगे. फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, जो बह करके बर्बाद होता है पानी, उस पानी को भी रोकेंगे. एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और हमें ये सस्ता ईंधन भी उपलब्ध कराएंगे व्यवस्थित जंगल. एंड दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्जन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इन टू अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, और जो हम फार्म यार्ड मैन्योर खेतों के लिए खाद प्राप्त कर सकते हैं हमारे ही खेतों से, उनका रूपांतरण नहीं होगा फिर फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए. जैसे हम सरसों को काट लेते हैं और बाकी बची हुई लकड़ी प्राप्त करते हैं, तो लेकिन हमारे पास जब वन होंगे तो हम फिर लकड़ी प्राप्त खेतों से नहीं करेंगे, उसको किस में बदल देंगे? मैन्योर में, खाद में बदल देंगे. द मेजर साधन नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, जो पानी के नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं. एंड कंजर्व इट्स सप्लाइज कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडरी पर्पजेज ऑफ वैल्यू ऑफ टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, गाँव के जीवन के लिए एक गौण भूमिका भी अदा करता है पानी को रोकने का साधन. बाई फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री इज बाई बोट्स एंड द बार्जेज थ्रू कैनाल्स एंड रिवर्स. By far the cheapest form of internal transport, आंतरिक यातायात का सस्ता साधन एक देश का क्या है? Boats और barges, छोटी छोटी नाव और नौकाएं हैं. Through canals और rivers, जो नहरों और नदियों के माध्यम से एक दूसरे जिलों या राज्यों को जोड़ते हैं, तो जो जल मार्ग हैं और जलों का जो यातायात है वो सस्ता होता है. We hear much about programs of rail and road construction. हम बहुत सुनते हैं रेल और सड़क निर्माण के कार्यक्रमों के बारे में, but far too little about the development of internal waterways in India. लेकिन हम भारत में ही जल मार्गों के विकास के बारे में बहुत कम सुनते हैं. Then again, the harnessing of water supplies. इस प्रकार पानी का नियंत्रण also make possible the development of hydro इलेक्ट्रिक पावर. इस पानी के नियंत्रण से संभव होगा विकास विद्युत, जल विद्युत का, जल विद्युत शक्ति हमें प्राप्त होगी. द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत की उपलब्धता वुड मेक अ ट्रिमेंडियस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, वो गांव के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेकर के आएगी. एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शंस, और गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगी अलग अलग दिशाओं में होकर के. इन पर्टिकुलर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंस, ये समर्थ बनाएगी गांव वालों को टू इनेबल अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे के पानी का
कैप्ड यूज करने के लिए टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत अधिक सीमा तक, देन एट प्रेजेंट, जितना वर्तमान में हम जमीन के नीचे के पानी का उपयोग करते हैं, यदि जल विद्युत हमारे पास होगी तो हमें और ज़्यादा विद्युत मिलेगी और जमीन के नीचे के पानी का हम उपयोग कर सकेंगे, एंड दस हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टीज अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई. इस प्रकार ये ख़त्म करेगी हमारी डिफ़िकल्टीज, जो कठिनाइयाँ पैदा होती हैं अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी, अनियमितता और अपर्याप्त दूसरे जो पानी के उपलब्धता के साधन हैं, जो समस्या हमें बनती है गांवों में, उस समस्या को ख़त्म करेगी यदि हम पानी का जल विद्युत के रूप में उपयोग करें. इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, पानी सभी पदार्थों में सबसे सामान्य है. इन अदर सेंस, दूसरे अर्थ में कहें, इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज, कि ये सभी तरल पदार्थों में बिल्कुल असामान्य है क्योंकि इसके अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, क्योंकि ये जानवरों और पौधों के जीवन का संरक्षण करता है, इसलिए इसके अंदर अद्भुत ताकत और अद्भुत क्षमताएं हैं पानी के अंदर. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर, प्रकृति की जांच और परख, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और पानी की क्षमताओं की जांच परख, इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, ये बहुत ही उच्च वैज्ञानिक रुचि का विषय है, एंड इज फार फ्रॉम बीइंग अनएग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, और इस पर ना खत्म होने वाली अनुसंधान किया जा सकता है पानी की क्षमताओं के ऊपर. तो ये हमारा वाटर लेसन है. उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु, इसको यूट्यूब पे टाइप करें और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ें, और सारे लेसन आपके पास डायरेक्ट पहुँच पाएंगे अगर आप इंग्लिश बाय उमेश गुरु के माध्यम से मेरे साथ जुड़ते हैं. ये इंग्लिश बाय उमेश गुरु. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को.